हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया। घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, उसमें मैंने गाजर को ऐड किया। गाजर को मैंने पहले ही कद्दूकस करके ले लिया था। उसके बाद ऐसे ही 5 मिनट इसको हम भुनेंगे। भुनने के बाद गैस का फ्लेम स्लो करके ढक्कन लगाएंगे, और फिर उसके बाद देखिए मैंने ढक दिया था। ढकने के बाद हमारे सॉफ्ट हो गए हैं गाजर। फिर इसको ऐसे ही चलाते हुए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने फुल क्रीम इसमें ऐड किया है, और दूध डालने के बाद गैस का फ्लेम स्लो करके इसको ढक्कन लगा देंगे। ऐसे चलाने के बाद ठंडियों के सीज़न में जो लाल वाले गाजर होते हैं ना, बहुत ही मतलब उसका हलवा बहुत टेस्टी बनता है। और इस समय ज़्यादातर हलवा घर पे बनाते हैं सब लोग। अब मैंने ढक्कन को लगा दिया है, और इधर मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट कट कट ले लेती हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़े काजू और बादाम ले लिया है। और उसके बाद मैंने इधर थोड़ा सा बीच बीच में चलाते भी रहना है, कि नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेंगे। और फिर इसको ऐसे खुला ही हम पकाएंगे, इसको ढकेंगे नहीं। अब काजू बादाम को मैंने कट करके ले लिया है, और थोड़े मैंने इलायची 4-5 ले लिए हैं, उसको मैं कूट लेंगी। उसके बाद जो दरदरा पाउडर निकलेगा, इसमें डालने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद इधर शक्कर ले लिया है, शक्कर को मैं अब इसमें हलवे में ऐड करूँगी। और शक्कर को तब डालें जब गाजर अच्छे से दूध डालने के बाद दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, पक जाए, और उसके बाद शक्कर डालें, तब हलवा दूध फटता नहीं है और हलवा टेस्टी बनता है। इधर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको ढक दिया था, ताकि दूध अच्छे से इसमें एकदम मेल्ट हो जाए। और इसको ऐसे चलाते हुए हम पकाएंगे गाजर के हलवे को। इलायची पाउडर ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था शक्कर के बाद, और इसको ऐसे ही हम खोला ही पकाएंगे। यकीन मानिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिवाय दूध, चीनी और इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट के। अगर आप चाहें तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, बट दूध से ही इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मावा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें फुल क्रीम फैट दूध ऐड किया है। और इसके बाद अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर का हलवा मेरा अच्छे से पक चुका है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर भी करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय बाय, नमस्कार।